जी सामने ध्यान दीजिए आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव्स का आज का जो टॉपिक है इसका नाम है चेन रूल डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में चेन रूल कैसे यूज होता है चेन रूल कब यूज होता है कैसे यूज होता है प्लीज ध्यान देंगे लिखने का टाइम मिलेगा पहले समझने पे फोकस करें सबसे पहले दिखता कैसे है कि यहां चेन रूल लगेगा इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है ये कैसा होता है आपको मैं कुछ क्वेश्चन सामने करके दिखाऊंगा सपोज करो आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो इसका बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है टू एक्स होता है होता है कि नहीं टू एक्स टू पार टू माइनस वन सपोज आपके पास होता डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेर कोई फर्क नहीं पड़ता अभी भी रिजल्ट आपके पास टू टी होता फॉर्मूला तब तक सेम चलेगा जब तक जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो और जो ये वेरिएबल है ये ये दोनों वेरिएबल्स जब तक मैच हो रहे हैं तब तक आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो मतलब सपोज मेरे पास है डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस आपने एक्स में पढ़ा है या थीटा है कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी थीटा है ये भी थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा सेम फॉर्मूला लगेगा आपके पास है डी बाई डी टी ऑफ लॉक टी सेम रिलेशन वन अपॉइंट टी डज नॉट मेक अ डिफरेंस अंटिल दीज टू वेरिएबल्स मैच Now, if there is a mismatch, if there is a mismatch, for example, मेरे पास होता है d by dx of t square. Now there is a mismatch. The variable जिसके respect में आप differentiate कर रहे हो that variable is x, और जिस function को differentiate कर रहे हो that variable is t. Now you have to apply chain rule. Chain rule कैसे लगता है? Same formula लगेगा जो पहले लगा. स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू टी इसके बाद वेरिएबल आपके पास कौन सा है एक्स एक्स की जगह अगर कुछ और है तो उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई सोचो ध्यान से सोचो सपोज आपके पास है और करता हूं एक दो से कुछ नहीं होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन टी फॉर्मूला आपके पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला आपके पास होता है डी बाई एक्स ऑफ साइन एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप वही लिखोगे cos. X की जगह क्या था टी उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई सपोज आता आपके पास डी बाई डी टी ऑफ x। अब वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो टी के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी ऑफ साइन टी होता तो डेरिवेटिव क्या हो जाता cos cos x d बाई डी एक्स ऑफ sin x होता तो क्या होता cos x होता अब आपके पास वेरिएबल कौन है x है क्या होना चाहिए था t जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको बोलते हैं चेन रूल और देखो सपोज आपके पास है d by dx ऑफ log t लॉग कुछ और होता है लॉग यू यू इज अ वेरिएबल नाउ इन दिस केस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स तो ये होगा वन बाई यू इन टू एक्स की जगह क्या चीज है यू उसकी डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई सपोज आपके पास होता डी बाई डी एक्स ऑफ टेंटी टेन टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है टेन टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है टेन टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है स्क्वायर तो की कितनी हो गई स्क्वायर सीकेंसक्टी यहां वेरिएबल कौन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स की जगह क्या दिख रहा है यहां पर आपको टी उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ टी टू पार फाइव x टू पार फाइव होना चाहिए था या है t टू पार फाइव कोई बात नहीं फाइव टी टू पार फाइव माइनस वन एक्स की जगह क्या है t उसकी डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद होंगे तब आप ये अप्लाई कर सकते हो अब सपोज आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ रूटी रूटी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है वन बाई टू रूट रूट एक्स की क्या होती है वन बाई टू रूट एक्स एक्स की जगह यहां क्या है टी जो चीज एक्स की जगह उसकी डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते ये जस्ट मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनते हैं वो देखो सपोज आपके पास है मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का पहले समझने पे फोकस करो सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर कैसे करते हो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो लगाते हैं ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर फोर प्लस फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर यही बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी सेपरेट कर दोगे योग्य डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर फोर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर प्लस फोर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये सोनो मानते हो फॉर्मूला लगाओ फोर एक्स टू बार फोर का क्या होता है फोर एक्स क्यूब अकेला फोर मारा गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स रिजल्ट कितना आया फोर एक्स क्यूब प्लस एट एक्स आंसर आया फोर एक्स एल सी कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस टू हाँ की ना सपोज ये पावर टू की जगह होती टू हंड्रेड ब्रैकेट खोलते नहीं ना इसको आप चेन रूल से भी कर सकते हो अगर इसको चेन रूल से करोगे ध्यान देना प्लीज मैं कैसे करूंगा यूजिंग चेन रूल यही सेम क्वेश्चन कैसे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर थोड़ी देर के लिए इसको एक्स सोच लो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग का स्क्र यह समथिंग में टी स्क् आपने अभी पढ़ा ना क्या पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क् डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क् होता है टू टी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है जिसको आपने एक्स सोचा है सो डी बाई डीएक्स ऑफ इसको एक्स सोचो एक्स स्क् क्या फॉर्मूला है एन एक्स टू दिन माइनस वन हा कि ना जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, 2 की डिफरेंशिएशन क्या हो गई जीरो। ये कितना हुआ? 2x, 2x इंटू टू रिजल्ट कितना आया 4x एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू सेम आंसर आ रहा है छोटा हो गया ना बहुत छोटा हो गया ना अब ये चीज आपको देखो कहां हेल्प करेगी सपोज क्वेश्चन हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 74 फोर अब आप ब्रैकेट तो खोल ही नहीं सकते पावर सेवेंटी फोर ब्रैकेट खोलोगे पचहत्तर टर्म्स आ जाएंगी क्या करो इसको x सोच लो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ x टू पावर n x टू पावर n क्या फॉर्मूला होता है n x टू दाइनस वन सो सेवेंटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर सेवेंटी थ्री यह सुनो जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है टू एक्स वन की डिफरेंशिएशन क्या होती है जीरो टू एक्स आया टू एक्स इंटू सेवेंटी फोर कितना हुआ वन फोर्टी एट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर सेवेंटी थ्री खत्म आंसर आ गया क्वेश्चन छोटा हो जाता है ध्यान से सोचना होता है तो उसके लिए आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए तब जाके आप चेन रूल को इजीली अप्लाई कर सकते हो और एग्जांपल देखो सपोज आपके पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स या थोड़ा बदलते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फाइव इसको डिफ्रेंशिएट करना है अब रूट ऑफ इसको एक्स सोच लो दिमाग में रूट एक्स का डिफ्रेंशियन क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स ये बना वन बाई टू रूट एक्स जिसको एक्स सोचा उसकी डिफ्रेंसेशन से मल्टीप्लाई लिख सकते हो जिसको एक्स सोचा उसकी डिफ्रेंसेशन से मल्टीप्लाई ये कितना हुआ वन बाई टू रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फाइव इसका डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर एक्स का वन फाइव का जीरो आंसर आ गया जितना मर्जी एंड अप पैंडा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाए बड़े आराम से हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है जैसे एक और एग्जाम्पल देखो सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वा प्लस थ्री अभी लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने क्या बोला था डिफरेंट रूल लगा लो ये चेन रूल से भी हो जाएगा चेन रूल से एक सेकंड में हो जाएगा कैसे वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कितनी होती है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म है वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्तर तो ये इसको एक्स सोचो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जिसको एक्स सोचा किसको सोचा था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को उसकी डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई x square की differentiation क्या होती है 2x, 3 की क्या होती है जीरो कितना बचा Minus 2x upon x square plus 3 का whole square. Got it? अब आप इसको verify कर सकते हो आप verify कर सकते हो chain rule लगा के कर सकते हो कि नहीं बात समझ में आई यहां तक और देखो और देखो दो चार पांच से क्या होगा बारह पंद्रह बीस करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर की पावर या रुक जाओ रूट ऑफ एक और ऐसा कर लेते हैं एक्स प्लस थ्री रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री फिर से क्या करोगे इस x प्लस थ्री को एक सिंगल टर्म मान लो सोच लो दिमाग में सोचो लिखना नहीं है रूट इसको x सोच लो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाई टू रूट तो ये हुआ वन बाय टू रूट एक्स प्लस थ्री किसको को एक्स सोचा था एक्स प्लस थ्री को उसकी डिफेंसियन से मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री का डिफेंसिएशन क्या होगा वन थ्री का क्या हो गया जीरो एक्स का वन तो ये कितना हुआ वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस थ्री खत्म समझ में आया यहां तक एल्जेब्रिक वाले क्लियर हुए स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो

ए, जो चीज एक्स सोची उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई सेम यहां किसको सोचा में स्टैंडर्ड वेरिएबल की जगह अगर कुछ और हो जाए तो उसके डेरिवेटिव से आपको क्या करना होता है मल्टीप्लाई जैसे यहां देखो डी बाई डीएक्स ऑफ एक्स स्क्स 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 टू का होल सोच लिया जिसको मैंने अंडरलाइन किया एक्ट्रेक्ट एक्ट स्क्स का डेरिवेटिव टू एक्स एक्स की जगह क्या था एक्स डेरिवेटिव से 1 को थोड़ी देर के लिए x सोच लो, x 74 का क्या होता है किसको सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई सेम उधर रूट ऑफ एक्स x. एक्स x किसको सोचा एक्स प्लस फाइव को रूट एक्स का क्या होता है

जो वेरिएबल होगा जो भी चीज होगी वेरिएबल हो कुछ भी हो उसके डेरिवेटिव से आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है पहले इतना लिखिए फिर हम आगे चलेंगे आगे ध्यान दीजिए और करते हैं इसके जिसका रह गया रुक जाओ दो मिनट बाद में लिख लेना आगे देखो सपोज आपके पास होता सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर 2x फॉर्मूला क्या होता है e टू पावर x का होता है फॉर्मूला e टू पावर x का होता है e टू पावर x x की जगह क्या नजर आ रहा है 2x e टू पावर x का फॉर्मूला क्या होता है e टू पावर x जो चीज x की जगह है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई x की जगह 2x है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 तो 2 बाहर आ गया रिजल्ट क्या हुआ 2 टू दू पार टू एक्स आया समझ आ गया समझ और देखो सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पार एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ई टू पार एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई टू पार एक्स एक्स की जगह क्या है यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ई टू पार एक्स का है ई टू पार एक्स जो चीज x की जगह है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो तो क्या बचा टू एक्स इन टू ई टू पार एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ठीक सपोज आपके पास होता डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पार साइन एक्स डजेंट मैटर e टू पार x का फॉर्मूला लगेगा e टू पार x x की जगह साइन x है e टू पार x का फॉर्मूला क्या है e टू पार x x की जगह साइन x है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x ये होगा कॉस x e टू पार साइन x ठीक है यहां तक समझ में आया सपोज ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू पार एक्स क्यूब अब फॉर्मूला क्या लगेगा ए टू द पार एक्स का क्या होता है ए टू दॉ गए यही होता है एक्स की जगह क्या है अब एक्स क्यूब उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर रिजल्ट कितना आया थ्री एक्स स्क्वायर फाइव टू पार एक्स क्यूब लॉक फाइव ठीक और देखो सपोज होता डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव टू पार ना हो गया टू टू दार कॉस एक्स टू टू पार x एक्स का क्या होता है टू टू पार एक्स लॉगे लॉग टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ये बन गया माइनस साइन एक्स इंटू टू टू पार कॉस एक्स लॉक टू ठीक है बच्चों अब सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टेन एक्स लॉग ऑफ एक्स का क्या फॉर्मिला लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स एक्स की जगह क्या है टेन एक्स उसके डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सीक्वेंस स्क्वायर एक्स सीकेंस स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नहीं अभी गंदा वाला नहीं दो मिनट बाद गंदे वाले यहां तक बात समझ में आई और देखो सपोज आपके पास होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फाइव एक्स आपके पास फॉर्मूला किसका होता है साइन एक्स का साइन एक्स का साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स एक्स की जगह क्या है फाइव एक्स उसके डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई ये सुनो एक्स की जगह क्या है फाइव एक्स उसके डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई 5 बाहर ले जाओ 5 कॉस फाइव एक्स और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 1 5 बाहर आ गया एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया वन सपोज आपके पास होता है डी बाई ऑफ टैन एक्स क्यूब ऑफ एक्स का क्या होता है सी केंद स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब उसकी डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर तो रिजल्ट आया थ्री एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स क्यूब ठीक और देखो खत्म थोड़े ना डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ साइन एक्स टैन एक्स इंटू साइन एक्स नहीं है टैन ऑफ साइन एक्स है ये एंगल है ये एंगल है इसको एक्स सोचो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैन स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर साइन एक्स अब जो एक्स की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी कॉस एक्स ये हो गया कॉस एक्स सिकेंड स्क्वायर साइन एक्स अभी जानबूझ के मैं पूरे स्टेप्स लिख रहा हूं जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप ओरली फटाफट लिख सकते हो अभी स्टार्टिंग में पूरे स्टेप्स लिखो ताकि आपको दिमाग में क्लैरिटी बनी रहे सपोज है आपके पास डी बाई ऑफ साइन ऑफ टैन ऑफ एक्स मसाला डालना शुरू कर दिया मैंने साइन ऑफ टैन ऑफ एक्स क्यूब साइन इसको एक्स सोचोगे साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स एक एक स्टेप करके करेंगे कॉस एक्स ये हो गया इनटू, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको एक्स सोचा था राइट right? अब ये एज इट इज रहेगा आगे वाले में फिर से ये नया क्वेश्चन सोच लो ये कॉस ऑफ टैन एक्स क्यूब अपनी जगह पे टेन ऑफ x का क्या होता है x x अब x किसको सोचा x cube को उसकी डिफ्रेंस से मल्टीप्लाई बार chain rule लगा ये नया question सोचो ना tan of x cube है किया था ना x था अभी उसमें लगा था ना चेन रूल तो यह डीवाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स क्यूब है तो इसमें chain rule लगेगा फिर से कि नहीं लगेगा x क्यूब का कितना होता है थ्री एक्स स्क् रिजल्ट कितना आया थ्री एक्स cos ऑफ टेन ऑफ एक्स क्यूब सीकेंड एक्स क्यूब ठीक और देखते हैं थोड़े से सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स ज्यादा नहीं हो गया कोई बात नहीं घबराना नहीं होता ओरल आंसर फाइनल बोल सकता हूं मैं पर नहीं बोलूंगा पहले बोल के दिखाता हूं फिर करके दिखाता हूं आपको समझ में आएगा पैटर्न कैसे चल रहा है सबसे पहले आपको रूट नजर आ रहा है रूट का क्या होता है वन बाई टू रूट तो वन बाई टू रूट यह पूरा टर्म इन टू इसके बाद साइन इसका डेरिवेटिव करोगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस तो वन बाई टू रूट साइन वाला पूरा टर्म इन टू कॉस ऑफ दिस फिर लॉक का लॉक का क्या होता है वन अपॉन फिर टैन का सीकेंड स्क्वायर फिर रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स देखो मैं फाइनल आंसर लिखता हूं सीधा पहले पहले सीधा फाइनल आंसर लिखता हूं फिर करके दिखाऊंगा ताकि मैच हो जाए वन बाई टू रूट सबसे पहले साइन ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू साइन का हुआ कॉस लॉग टैन रूट एक्स इंटू लॉग का हुआ वन अपॉन इंटू टैन का हुआ सिकेंड स्क्वायर इंटू रूट एक्स का हुआ वन बाई टू रूटेक्स ये आंसर आएगा फाइनल अंदर घुसते जाओ फंक्शन में सबसे पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का फिर उससे अंदर वाले का फिर उससे अंदर, अंदर, अंदर वाले का फिर सबसे अंदर वाले का अब देखो इसको स्टेप वाइज कैसे करके दिखाता हूं फिर इसको हटा दूंगा मैं जान के किया ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्ट भी हो सकता है स्टेप वाइज देखो कैसे होगा ये स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूं स्टेप वाइज आप कैसे सोच सकते हो ध्यान देना पहले रूट इस पूरे को एक्स सोचोगे रूट अंदर वाले पूरे को एक्स सोचो रिजल्ट हुआ वन बाई टू रूट एक्स साइन ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको एक्स सोचा अब ये एज इट इज आएगा इसको कुछ नहीं छेड़ो रूट इस साइन ऑफ इसको इसको एक्स सोचोगे साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स कॉस लॉग टेन रूट एक्स अब एक्स की जगह क्या है लॉग टेन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टेन रूट एक्स अब ये एक टर्म एज इट इज ये दूसरी टर्म एज इट इज लॉग का इसको अब एक्स सोचो वन अपॉन टेन रूट एक्स इनटू जिसको एक्स सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई एक टर्म एज इट इज दो टर्म एज इट इज तीसरी टर्म एज इट इज अभी है, टैन का सीकेंड स्क्वायेर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स तो फाइनल रिजल्ट वन बाय टू रूट साइन ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू वन बाई टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट टेन रूट एक्स इंटू सी स्क्वायर रूट एक्स इंटू वन टू रूट एक्स देखो ऊपर यही लिखा आंसर मैंने स्टेप वाइज ऐसे होता है आप फंक्शन के अंदर घुसते चले जाओ सॉल्व हो जाता है ठीक अब सपोज करो और देखो एग्जांपल्स सपोज करो आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब अभी किया ऐसा साइन एक्स क्यूब में ये साइन एक्स सोचोगे ये हो गया कॉस एक्स एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर तो रिजल्ट कितना हुआ थ्री एक्स स्क्वास एक्स क्यूब मानते हो बेटा सपोज इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स अब सोचना है साइन एक्स क्यूब और साइन क्यूब एक्स में क्या फर्क है साइन एक्स क्यूब का मतलब सिर्फ एंगल का क्यूब साइन क्यूब एक्स का मतलब पूरे का होल क्यूब साइन एक्स का होल क्यूब तो इसमें मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया फंक्शन में अंदर घुसते चले जाओ इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन एक्स क्यूब में पहले फंक्शन कौन सा है साइन बाद में फंक्शन कौन सा एक्स क्यूब इसमें पहले फंक्शन कौन सा है साइन या क्यूब पहले है क्यूब ये बेसिकली है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब तो पहले क्यूब है आप पिछले वाले में देखो रूट आपको अलग से दिख रहा था ना तो पहले रूट था ना मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था साइन ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स और यहां पावर हाफ तो साइन पहले थोड़ी ना था पहले कौन था रूट था तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले आपको देखना होता है पावर फिर देखना होता है बेस और लास्ट में देखना होता है एंगल ये ऑर्डर फॉलो करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले देखोगे पावर फिर देखोगे बेस और तीसरा देखोगे एंगल हर ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको फॉलो करोगे तो सबसे पहले पावर पावर कौन है क्यूब तो इसमें आप क्या करोगे इसको एक्स सोचोगे एक्स टू पार एन लगेगा एन एक्स टू द पार एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एक्स क्यूब उसको साइन लिया था ना साइन का क्या होता है कॉस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स कल हमने क्वेश्चन किया था प्रोडक्ट रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स याद है क्या आंसर आया था टू साइन एक्स कॉस एक्स या साइन टू एक्स ये भी ऐसे ही सोच सकते हो चेन रूल से भी सोच सकते हो ये साइन एक्स का होल स्क्स टू पार एन सोचो एन एक्स टू दाइनस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स एक मिनट स्क्वायर था सॉरी टू साइन एक्स की पावर टू माइनस वन इन टू डी बाइ डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x. तो रिजल्ट कितना आया टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है ये साइन टू एक्स यही फॉर्मूला आया था उसमें प्रोडक्ट रूल से भी बट वो प्रोडक्ट रूल आपका स्क्वायर तक तो चल गया पावर थ्री में नहीं चलेगा और बड़ी पावर हो जाएगी बिल्कुल नहीं चलेगा तब आपको चेन रूल का सहारा लेना ही पड़ेगा ठीक सपोज क्वेश्चन होता d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स टू पार फोर पूरे का क्यूब है या पूरे की पार फोर है क्यूब है ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू पार फोर का होल क्यूब अब इसको x सोचोगे ये पावर n, सो so, n एक्स टू दर n माइनस वन इन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू पार फोर ये एज इट इज थ्री साइन स्क्वायर एक्स टू पार फोर इन साइन का हुआ कॉस इन चेन रूल एक्स टू पार फोर का क्या होता है फोर एक्स क्यूब सो फोर थ्री इज अ ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू पार फोर कॉस एक्स टू पावर फोर डायरेक्टली भी कर सकते थे पहले पावर देखोगे क्यूब है तो थ्री साइन स्क्वायर फिर बेस मतलब साइन साइन का हुआ कॉस इन टू एंगल टू पावर फोर का फोर एक्स क्यूब पावर फिर बेस और लास्ट में किस पे पहुंचोगे एंगल पे सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब लॉग एक्स पहले कौन है लॉग है साइन है या क्यूब है cube. पहले क्यूब है सबसे पहले पावर सो क्यूब का थ्री साइन स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस अब इसको एक्स सोचोगे ये हुआ थ्री साइन स्क्वायर लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आजकल कितना होता है वन बाय एक्स तो ये हुआ थ्री साइंस स्क्वायर लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स ठीक समझ में आए अपने हाथ से एक बार करो कोई डाउट आए अभी के अभी पूछो एक और देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा हूं सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन साइन टू पार एन एक्स एक्स क्यूब अपॉन साइन टू पार एक्स क्या करेंगे इसको डिविडेंड रूल लग जाएगा दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में टू एन बन गया ऊपर क्या आया डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यह सुनो मानते हो यही करेंगे एक्स क्यूब का क्या होता है थ्री एक्स ये एज इट इज रहा साइन टू पार एन एक्स एक्स क्यूब का कितना हुआ थ्री एक्स स्क् माइनस एक्स क्यूब एज इट इज साइन एक्स की पावर एन हो गई ना जैसे साइन स्क्वायर का था तो कैसे करते थे सबसे पहले पावर को तो पावर एन का क्या हुआ एन साइन टू पावर एन माइनस वन एक्स इन टू साइन का कितना हुआ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन टू पार टू एन एक्स ये सोनो साइन टू पार एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ साइन टू पार एन अपॉन साइन पावर सब ट्रैक्ट होती है तो डिवाइड होता है बेस सेम रख के सो थ्री एक्स स्क्वायर साइन टू पार एन एक्स माइनस एन एक्स क्यूब साइन टू पार एन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन टू पार टू एन एक्स साइन टू पार एन कॉमन निकल के खत्म नीचे टू एन था एक पावर कम हो जाएगी बचेगा क्या थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स क्यूब कॉटेक्स अपॉन साइन टू पार एन एक्स टू एन था एक पावर एन कट गई ना साइन टू पैर एन कॉमन लिया ऊपर से बाकी सबको एस एट इज लिख दिया कितना कि सब ट्रैक्ट हुआ कितना बचा वन बचाना एन बचाना एक और देखो सपोज होता आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस फोर अपॉन साइन एक्स क्या लगेगा फिर से डिफिन रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में ऊपर क्या आया डिनोमिनेटर इनटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यह सुनो मानते हो कि नहीं यही होगा अब क्या करोगे कॉस का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस साइन ये माइनस साइन एक्स साइन एक्स अपनी जगह पे ये माइनस साइन आ गया एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव कितना होता है वन तो चेन रूल में वन ही रहेगा वो माइनस कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होल्ड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स अब यह आगे सिंप्लीफाई हो रहा है न्यूमरेटर में माइनस कॉमन आ गया साइन एक्स साइन एक्स प्लस फोर प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस फोर आइडेंटिटी नजर आई अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होती है कॉस ए माइनस बी तो ये बना माइनस कॉस ए माइनस बी करूंगा तो फोर बचा सिर्फ अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये आंसर हुआ आइडेंटिटी लग रही हो तो लगाए क्या आइडेंटिटी यहां लग रही है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आइडेंटिटी होती है कॉस ए माइनस बी गॉट इट समझ में आया आज का होमवर्क थोड़ा ज्यादा है सबसे पहले एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे जो बीच बीच में मैंने छुड़वाए थे चेन रूल वाले वो अटेम्प्ट करने फिर आप असाइनमेंट उठाएंगे इसमें डेरेवेटिव की एक्सरसाइज ये कंप्लीट करेंगे पचास साठ क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कितना बड़ा है आधी आधी लाइन का है आप खुद सोचो ना यार ये कितनी कितनी देर लग रही है इसमें इस पे दो क्वेश्चन पे, दो हुए इस पेज पे पांच क्वेश्चन हो गए ऐसे ही है ज्यादातर इसी फॉर्मूले पे इसी कंसेप्ट बेस्ड है तो कृपा करके इनको अटेम्प्ट कीजिए थोड़ा सा ही काम है पहले एनसीआरटी के अटेम्प्ट करेंगे फिर इस पर अगली क्लास में हम इसी की डिस्कशन करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच